अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो शैला स्टाइल और मेरा नाम है शगुफ अंसारी। आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। हाँ जी, तो आज है हमारी थर्ड मैरिज एनिवर्सरी, तो उसी के लिए आज मैं मेकअप करने वाली हूँ क्योंकि आज हम कहीं जाने वाले हैं। अभी मेरे हस्बैंड ने बताया नहीं है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तो बस अच्छे से रेडी हो जाओ। तो मैं अच्छे से आज रेडी होने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो ऐसे ही वीडियो में बने रहना इस लुक को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, कैच क्या होने वाला है। तो चलो करते हैं, जो भी होगा अच्छा हो उम्मीद करती हूँ। और बस तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहले अभी हम करेंगे स्किन को अच्छे से प्रैप। तो मेकअप करने से पहले आप अच्छे से स्किन केयर कर लो। तो मैंने बायोटिक का टोनर लगाया है, ये है कुकुम्बर टोनर, काफ़ी अच्छा है। टोनर लगाने के बाद कभी भी स्किन पे ऐसे इसके बाद कुछ और एकदम से नहीं लगाना है, पहले इसको ड्राई होने देना है, स्किन पे ऑब्जर्व होने देना अपने आप से, उसके बाद ही कुछ और लगाना है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आईब्रो फिल करने लग गई थी ब्लैक कलर का शेडो लेके। टोनर हमारी स्किन को, ओपन पोर्स को लॉक करता है, स्किन को टाइटन अप करने में हेल्प करता है। सो अब मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ कोई भी ब्लैक कलर का शेडो लेके। और आईब्रो फिल करो मेकअप करने से पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आएंगी। आईब्रो का कलर लाइट है वो डार्क हो जाएगा, अगर आईब्रो शेप में नहीं है तो वो शेप में दिखेंगी, तो इसीलिए आईब्रो फिल करो तो वो प्यारा लुक आता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ टैग का गोल्ड ग्लो मॉइस्चराइज़र, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, थोड़ा सा लिया है मैंने, आइज़ पे लगाया है क्योंकि मैं सबसे पहले आइज़ मेकअप करने वाली हूँ। हाँ जी, अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आई मेकअप कर लिया करो, क्योंकि ना उससे क्या होता है कोई भी फॉल आउट होता है, जैसे कि आपके फेस पे काजल लग गया, मस्कारा लग गया, तो जो आपका फेस बेस है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले आई मेकअप कर रही हूँ, आप भी ऐसे किया करो। उसके बाद मैंने इन कलर कॉस्मेटिक का कंसीलर लिया है, इससे मेरे डार्क सर्कल्स भी हाइड हो जाएंगे और मेरा अच्छे से आई बेस भी बन जाएगा। इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने लूज पाउडर की हेल्प से जितना भी ये था इसको सेट कर लिया था, आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया है अपने ब्रशेस, ये 4-in-1 ब्रश है, इसमें आपको दो ब्लेंडिंग ब्रश मिल जाते हैं छोटे और एक फाउंडेशन ब्रश, एक पाउडर ब्रश मिल जाता है। तो इसी से आज मैं सारा मेकअप करने वाली हूँ। तो मैं ना डार्क लाइट पिंक कलर का शेड लेके मिस गोल्ड पैलेट, ये मैंने मीशो से खरीदी थी, इससे मैं अपना आई मेकअप कर रही हूँ। तो मैं क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ पिंक कलर की और उसको थोड़ा आउटर वे लेके जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड करनी है और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके थोड़ा थोड़ा लगाते जाना है, एकदम अगर बहुत सारा लगा लोगे तो वो ओवर हो जाएगा और भद्दा लगेगा और सारे कलर अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके बहुत ही हल्की सी क्रीज ड्रॉ कर दी है। अब मैं साइड्स में अपने विंग पे लगाने वाली हूँ ब्लैक कलर का शेडो, क्योंकि मैं ब्लैक आउटफिट पहनने वाली हूँ तो थोड़ा सा ब्लैक टच देना तो बनता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लैक आई शेडो और इसको क्रीज पे लगा रही हूँ, और थोड़ा जैसे हम विंग आई लाइनर लगाते हैं उसी तरीके से थोड़ा मैं क्रीज से बाहर लेती हुई आ रही हूँ, ताकि वो आई शेडो में ही विंग लुक आए। वैसे मैं आई लाइनर भी लगाऊंगी लेकिन इससे मैं चाहती हूँ थोड़ा आउटर लुक आए, ताकि मेरी आईज़ जो है वो और ज़्यादा बड़ी दिखें, थोड़ी छोटी आँखें हैं मेरी, तो अगर आपकी आँखें बड़े छोटी हैं तो इसी तरीके से आप थोड़ा बाहर को निकालते हुए अपना क्रीज की तरह जो आई शेडोज हैं उनको लगाओगे, मतलब एक विंग की तरह बनाओगे, तो वो बहुत ही प्यारा और आपकी आँखें ना बड़ी लगेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर भी कभी भी एकदम से मत लगाना, वरना आपका सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा लगाओ, और ब्रश पे एकदम बहुत आ जाता है ना, तो ब्रश को डस्ट ऑफ कर लो उसके बाद ही लगाओ। तो मैं दोबारा क्या कर रही हूँ, वही वाला ब्रश लेके जो हमारी दो लाइनें ड्रॉ हो गई हैं ना ब्लैक और पिंक कलर के जो दौरान, तो उन जो लाइनें हैं उनको हमें ब्लेंड करना है, ताकि वो एकदम अलग अलग से ना लगे, तो वो बहुत गंदी लगेंगी। जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप दिखेगा। तो ब्लैक और पिंक की जो लाइन बन गई है मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया, आप देख सकते हो आपस में ना वो मर्ज हो जाना चाहिए, ताकि वो अलग अलग ना देखे। सिर्फ लाइनों को करना है, ठीक है, दोनों कलर आपस में इतना भी मिक्स नहीं करना है कि वो अलग ही हो जाए, ब्लैक ना दिखे पिंक ना दिखे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अच्छे से जो लाइन बन जाती है ना एक दो कलरों के बीच में उसको ब्लेंड करना है, ठीक है।
अब आप लोग देख सकते हो, अब मैं थोड़ा सा ना अपनी आंखों में क्रीज करने वाली हूँ, थोड़ा सा अलग लुक आए। तो अभी मैं पहले इसको ही थोड़ा डार्क करूंगी, क्योंकि ना मेरे को ब्लैक कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही और लेके मैं लगाती जा रही हूँ। और मेरे को जब तक मेरा जो मैं कलर चाहती हूँ वो नहीं मिल जाता, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा कलर लेके थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करती रहूंगी। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत सारा कलर नहीं लेना है। अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ओकेश हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो थोड़ा विंग भी जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, अपना वही कंसीलर लेके इन कलर कॉस्मेटिक का, इससे मैं एक विंग ड्रॉ करूँगी, मैं अपना क्रीज ड्रॉ करूँगी। तो इससे आपको एक टेक्निक बताती हूँ, आपको थोड़ा सा लगाना है, ऊपर देखना है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपकी आई की क्रीज होती है ना नेचुरल, वो मिल जाएगी। अब उसी से लेके जो आपको मिली है ना, वो आपको एक एग्जाम्पल मिल गया, तो उसी हिसाब से पूरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इससे ऊपर आपको नहीं कभी भी क्रीज ड्रॉ करनी है, वरना वो बहुत गंदा बहुत भद्दा दिखेगा। आपको ये जो नेचुरल आपकी क्रीज है ना वो मिल चुकी है, तो इसी से एक लाइन ड्रॉ कर लो और कंसीलर को लगा लो। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से मेरी लाइन ड्रॉ हुई है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई है, जो मेरी नेचुरल क्रीज है वो बन गई है। अब इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है, ताकि मेकअप जो हमारा है वो कैकी ना लगे। अब इस पर मैं लूज ग्लेटर यूज़ कर रही हूँ, सॉरी लूज नहीं, प्रेस ग्लेटर है मेरे पास वाइट, सॉरी सिल्वर कलर में, वो मैंने लगा लिया। अब मेरी एक आँख का कलर हो गया है, दूसरों का मैं ऑफ कैमरा में करके आ गई हूँ, दूसरी आँख का मेकअप भी। अब ना जितना भी इधर उधर मेकअप लगाया वो कंसीलर की हेल्प से सेट कर लूँगी। और मैंने अपने लेंसेज भी वेयर कर ली हैं, अगर आपको लेंस के ऊपर कोई ट्यूटोरियल चाहिए, लेंस कैसे लगाते हैं, लेंस को कैसे रिमूव करते हैं, तो आप मुझे बता देना, उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। अब फेस पे जितनी भी गंदगी थी उसको मैंने वाइप से साफ कर लिया है, आप लोग देख ही सकते हो। अब मैं दोबारा से वही टैक का गोल्ड ग्लो क्रीम मॉइस्चराइजर लूँगी और अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। टोनर हम पहले ही अप्लाई कर चुके थे, ठीक है। सो अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है अगर विंटर्स हैं तो सच में, क्योंकि विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसीलिए अगर आपकी स्किन ऑयली है या जो भी है, तो आप अपने हिसाब से मॉइस्चराइजर ले सकते हो। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आते हैं तो उसी टाइप का, तो मेरे पास अभी ये था तो मैंने ये लगा लिया। बाकी अब दोबारा से मैं अपना वही वाला कंसीलर ले रही हूँ, तो जितने भी मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो रखी है, जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हैं जैसे माउथ के साइड, या जहाँ भी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स के निशान हैं, वहाँ सब जगह मैं यही वाला अभी यूज़ कर रही हूँ, इन कलर कॉस्मेटिक का कंसीलर, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से मैं पहले तो ब्लेंड करूँगी, और ये अच्छे से जब ब्लेंड हो जाएगा तो मैंने अपना फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले लिया है, अपना वही वाला ब्रश जिससे मैं आज सारा मेकअप करने वाली हूँ, तो ब्रश पे ले लिया है। ये है फाउंडेशन ब्रश, काफ़ी अच्छा ब्रश है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, तो अगर आप चाहो बाय कर सकते हो, इसे एक ब्रश से आपके सारा मेकअप डन हो सकता है, ठीक है, तो आप ले सकते हो, काफ़ी प्यारा है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से सारे को पूरे फेस पे मैंने फाउंडेशन को स्प्रेड कर लिया है, और फाउंडेशन अगर आप एक बार लगाते हो थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, अगर आपको लगता है कि अभी भी अच्छा कवरेज आपको नहीं मिल रहा है, आपके फेस पे फुल कवरेज नहीं है, कहीं कहीं रह रहा है या कहीं कहीं कमी है, तो आप दोबारा से लेके दोबारा से लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही लगाती हूँ, एकदम लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर का ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी लगती है। मैंने दोबारा लेके थोड़ा सा लगाया था, ये है मेरा फाइनल बेस, आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा और अपने जो हाईलाइट स्पॉन्ज है उनको हाईलाइट करने के लिए कंसीलर लगा के छोड़ा है मैंने अभी, पर उससे पहले मैं कर लेती हूँ कॉन्टोर। अब मेरे पास पर्पल का कॉन्टोर ब्लश प्लस हाईलाइटर पैलेट है, उससे मैंने कॉन्टोर किया है, आप लोग देख सकते हो। फेस को कॉन्टोर करने का मतलब यह है, आपका फेस बहुत शेप में दिखेगा, नाक मेरी तरह है तो वो पतली दिखेगी, फेस बहुत ज़्यादा अगर आपको शेप में दिखाना है तो वो शेप में दिखेगा, तो आपको कॉन्ट्रोल करना चाहिए। उसके बाद जो मैंने कंसीलर हाइलाइटिंग के लिए लगाया था उसको ब्लेंड किया, और पाउडर से मैंने इसको सेट कर लिया। एन बाई बे का लूज पाउडर है मेरे पास। अब मैंने ब्लू हेवन का ब्लश लिया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा ब्लश लगता है, बस इसकी पैकेजिंग बहुत बुरी लगती है, एकदम से ना बहुत सारा निकल जाता है, देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छा है अफोर्डेबल प्राइस में। अब मैंने पर्पल का जो पैलेट था ना मेरा, तो उसी से मैंने लॉक किया है पाउडर ब्लश लेके, ठीक है। पहले मैंने लिक्विड ब्लश लगाया और अब पाउडर ब्रश से मैंने इसको सेट कर लिया है, देख सकते हो आप लोग, तो प्यारा ब्लश लग रहा है, ये ब्लश बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है, आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये कितना नेचुरल लुक देता है, मतलब प्यारा लग रहा है ना। तो चलो अभी करते हैं आई मेकअप में थोड़ा सा और इन्हेंस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वही पिंक कलर का शेड लेके नीचे आईलेट पे लगा लिया है, देखो। और अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा,
और मस्कारे से यार लुक बहुत अच्छा आता है, तो मस्कारा लगाना कैसे भूल सकते हैं। मस्कारा लगाया और यहाँ पे मैं ऑफ कैमरा जाके अपनी आईलैशेस भी लगा के आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हो। आईलैशेस लगाने के बाद लुक और भी ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर आईलैशेस पे भी ट्यूटोरियल चाहिए आईलैशेस कैसे लगाना है तो बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। फिर रहने का मैंने लिया है लिपस्टिक, ये भी मैंने मीशो से खरीदी थी, मिनी लिपस्टिक है ये, बहुत ही अच्छा शेड आते हैं इसमें, न्यूड और डार्क सारे, तो मैंने ये लिपस्टिक लगा ली है। बाकी इसका शेड मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। बाकी ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बता देना। पर रुको रुको, अभी कुछ रह गया है, तो यहाँ पे अभी मैं लगाने वाली हूँ अपना फिक्सर, ताकि मेरा मेकअप निकले ना, ठीक है। अब फिक्सर लगाने के बाद एकदम से मैं हाईलाइटर लगाऊंगी, तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हाईलाइटर चलता है और बहुत ही ऊपर निकल के आता है, तो फिक्सर लगाने के बाद एकदम आप लगाओगे ना तो आपका हाईलाइटर बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, बहुत ही ग्लो दिखेगा, बहुत ही हाईलाइट होकर दिखेगा। तो बस ये है मेरा फाइनल लुक, बाकी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो आप लोग देख सकते हो हेयर मैंने थोड़े से कर्ली किए थे। और ये है मेरा ब्लैक ड्रेस और ये है मेरा एनिवर्सरी सरप्राइज़, कैसा लगा आप लोगों को? तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, काश अल्लाह ऐसा हस्बैंड सबको दे, हर लड़की डिजर्व करती है ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज़। तो बस ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।